बायकॉट अभियान दानों की बात एक के बाद एक फिल्मों को लील रहा है, जिसका हाल ही में शिकार बनी लाइगर। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते पे टिक जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि बॉलीवुड जानबूझकर जनता को उकसाने में लगी हुई है कि हम तो ऐसे ही काम करेंगे, तुम क्या कर लोगे। इसी परिपेक्ष में ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के दौरान करण जौहर ने बोला, देखिए अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए तो देखिए, और लगता है कि नहीं देखना चाहिए तो मत देखिए, क्योंकि कोई भी आप पर दबाव नहीं डाल रहा है फिल्म देखने के लिए। किसी ने भी आपके सिर पर बंदूक रखकर आपको फिल्म देखने के लिए नहीं कहा है। मैं ऐसा महसूस करता हूं, इसलिए मैं ट्रोल्स को गंभीरता से नहीं लेता हूं। परंतु यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पूर्व आलिया भट्ट ने कुछ ऐसे ही सुहा के कहे थे। आलिया भट्ट जो अपनी फिल्मों के लिए भी जानी जाती हैं और विवादों के लिए भी, उन्होंने भी अपनी आगामी फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रदर्शन के पूर्व अपना ब्रह्मज्ञान देते हुए कहा कि हमें बार बार अपने को डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जनता को हमारी फिल्में नहीं देखना तो मत देखे। परंतु इस मामले में सबसे मस्त तड़का दिया फरहान अख्तर ने। उन्होंने कहा, बॉलीवुड को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उन्हें ग्लोबल ऑडियंस को देखते हुए कंटेंट तैयार करना चाहिए। हमें ज्यादा लोगों तक पहुंचने का तरीका ढूंढना होगा, जैसे द एवेंजर्स ने किया। फरहान अख्तर के बयान से यह तो स्पष्ट है कि देसी बिरादरी को माल हजम नहीं हुआ तो विदेशी बिरादरी को ठुसाएंगे। लेकिन इस महाशय को समझना होगा कि इज्जत घर से ही आती है, और जब घर पर ही भाव न मिले तो दुनिया से दो चार वाहवाही बटोर कर कोई क्या ही कर लेगा। रही बात ग्लोबल कनेक्टिविटी की, तो चाटने और नमन करने में बड़ा अंतर होता है।